Okay, let's start our MCQs. The logical sum of two numbers, two or more logical product term is called. What will be the answer? फटाफट से चेक बॉक्स में लिख के बताओगे. The logical sum of two or more logical product terms. Logical sum of two or more logical products. ठीक है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? Sum of two or more logical products means logical products का sum. What will be this form? SOP. Yes, sum of the product. Answer is sum of the product. Next question is the expression y is equal to a plus b, b plus c and c plus a shows that operation. Kis type ka operation hai ye? AND operation, product of sum, sum of the product or NAND operation? This is product of sum form. क्योंकि ये क्या है, product of max term की form में है, है ना? Max term fully max term नहीं है, लेकिन यहाँ पर product of sum की form है, ठीक है? So it is POS, but not canonical POS, ठीक है? Canonical नहीं है, लेकिन ये simple product of sum की form है. So the answer is B option. कैनोनिकल फॉर्म इज अ यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. कैनोनिकल फॉर्म से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट या फिर मिन टर्म या बुलियन एक्सप्रेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम. कैनोनिकल फॉर्म से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यस, बुलियन एक्सप्रेशंस. ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशंस को ही मैंने बताया था कि हम सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, ईच एंड एवरी टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स, देन वी विल से दिस इज ए इनकैनोनिकल फॉर्म. ठीक है, तो ये बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं. The next question is there are number of minterms. कितने number of minterms होंगे for three variables? Yes, correct option is C. और number of मिनटर्म्स टोटल कितने होंगे? टू टू दी पावर थ्री. टोटल जितनी पॉसिबिलिटीज होती है, टू टू दी पावर थ्री. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर नंबर ऑफ सेल्स. क्वेश्चन में है नंबर ऑफ सेल्स या फिर स्क्वायर. मैंने बताया था नंबर ऑफ सेल्स और स्क्वायर इन ए फोर वेरिएबल के मैप. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? बी. यस, 16, है ना? सुबह मैंने क्लास में बताया था
कि अगर जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं ट्रुथ टेबल में उतने ही टाइम नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, या फिर हम सेल भी कहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन इन। किससे रिलेटेड होता है डोंट केयर कंडीशन, ये भी बताया था मैंने क्लास में। यस, के मैप्स। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशंस में डोंट केयर हम कहां पर यूज करते हैं, के मैप्स में। जब भी कोई सिचुएशन होती है, कोई कंडीशन अगर होती है जहां पे इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी स्पीड में अगर 0 1 चेंज हो रहा है और मुझे एग्जैक्ट आउटपुट नहीं पता चलता है कि 0 है या फिर 1 है, तब हम उसको क्या कंडीशन कहते हैं, डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन, जिसको एक्चुअल में तो 1 और 0 हमारे दो पॉसिबिलिटी है ना, और 0 और 1 इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है, 0 और 1 के हमें एग्जैक्ट क्या है पता नहीं चलता है, तब हम उसको कहते हैं इस कंडीशन को डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन के मैप्स फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज लॉजिक गेट्स आर वाइडली यूज्ड इन। लॉजिक गेट्स किस में यूज होते हैं, किस टाइप के डिजाइनिंग में यूज होते हैं, सैम्पलिंग, डिजिटल, एनालॉग और सिस्टम्स। डिजिटल डिजाइन, यस, लॉजिक गेट से हम डिजिटल डिजाइन करते हैं और इन therefore are available in IC form. So answer क्या हो जाएगा इसमें, digital. Yes. The next question is, according to the Boolean law, a plus 1 is equal to what? Yes, a plus 1 is equal to 1. 1 plus anything, अगर हम यहां पर कुछ भी लिखेंगे, 1 plus anything is equal to 1. ठीक है, चाहे यहाँ पर a हो, ए बी हो, कुछ भी हो, है ना, 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1। दिस इज द रूल्स फ्रॉम द रूल्स ऑफ बुलियन एलजेब्रा। ठीक है, बुलियन एलजेब्रा के रूल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं, जितने भी लॉज हैं बुलियन लॉज और बुलियन एक्सप्रेशन के, जितने भी एक्सियोम्स बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। De Morgan's theorem states that which of the option is correct for De Morgan's theorem? Yes, De Morgan's theorem में दो ही options होते हैं मेरे पास। Either this, दोनों theorems होते हैं, दोनों statements हैं De Morgan's theorem के, a b whole bar is equal to a bar plus b bar, ठीक है, या फिर a plus b whole bar is equal to a bar multiply by b bar। ठीक है,
Then next, universal gate is, which of the following is the universal gate? Yes, NAND gate and NOR gate. ये दोनों ही gates क्या होते हैं? NAND gate and NOR gate, दोनों ही gates होते हैं, universal gates. ठीक है, NAND gate and NOR gate. अगर यहाँ पे NOR gate होता तो वो भी correct होता. ठीक है, दोनों ही क्या है? Universal gates. LSD stands for least significant digit. Yes, B is correct. Least significant bit, digit भी बोल सकते हैं या फिर least significant bit. अगर यहां पर LSB होता तो क्या कहते हैं इसको? Least significant bit. ठीक है, LSD है तो least significant digit. The next question है, which of the following expression is in product of some form? प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में कौन सा एक्सप्रेशन है? ठीक है, यहां पर दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम, यहां पर a plus b or multiply by c plus d. This is in the form of product of sum. Yes, a is correct. Next question is, the smallest unit of data in computer. जल्दी से बताओ. स्मॉलेस्ट यूनिट. बिट. यस, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर. और बाइट इज इक्वल टू क्या होता है? बाइट इज इक्वल टू 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 द 8 bits होता है. byte is equal to 8 bits, nibble is equal to 4 bit, और 1 bit is the single bit. किलो अगर होगा तो 2 to the power 10, है ना? 2 to the power 10 लिखते हैं, kilobytes, है ना? 2 to the power 10 bits. Next question है, 1 nibble is equal to how many bits? Yes, 4 bits. है ना, एक निबल किसके इक्विवेलेंट होता है? 4 bits के. और अगर बाइट होता तो 8 bits के इक्वल होता. Next question है, which of the following is used to hold running program instruction? Running program जो current में run कर रहा है program, वो किस type की memory में store होता है? Primary storage में, virtual storage में, internal या फिर minor devices? Primary storage, yes. ठीक है, which of the following is used to hold running program instruction? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, प्राइमरी स्टोरेज में हम जो प्रोग्राम रन हो रहा है
वो करेंटली कहां पर स्टोर होता है? प्राइमरी स्टोरेज में. द नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्काई कोड फॉर स्टैंड्स फॉर. एस्काई कोड स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए. Okay, yes. A, ASCII code stands for American Standard Code for Information Interchange. ठीक है? ये किस इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? American Standard Code for Information Interchange. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following gate will give a zero when both of its input are one? दोनों inputs अगर one है तो मुझे output क्या मिलेगा? Zero. किस केस में होता है? किसके output में? Yes, both C and D are correct options here. दोनों ही ठीक है ना? NAND gate में भी NAND gate की जो table होती है वो क्या होती है? Inputs 00, 01, 10, 11. ठीक है? NAND gate की अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है NAND gate में? AND का just opposite होता है ना? तो एंड का जस्ट अपोजिट होगा तो 111 और 0. ठीक है? और एक्सोर गेट का आउटपुट क्या आता है एक्सोर गेट में? 0110. ठीक है? तो दोनों ही केस में दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0. यहाँ पे ओनली सी ऑप्शन लिखा है एंड डी बोथ विल बी करेक्ट एक्सोर. The gate which is called an inverter is called which of the gate is an inverter? Yes. NOT gate को inverter कहते हैं. क्यों? NOT gate को inverter क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी कन्वर्ट कर दे है ना, कॉम्प्लीमेंट कर दे. तो 0 को 1, 1 को 0, कॉम्प्लीमेंट कौन करता है? नॉट गेट. एमएसडी स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. बहुत इजी है. मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ ओवर एडिशन. डी मॉर्गन्स लॉ ओवर एडिशन. एडिशन के ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट? मैंने दोनों फॉर्म्स बता दिए थे डी मॉर्गन्स लॉ के. Yes, x plus y whole bar is equal to x bar dot y bar. ठीक है?
सी ऑप्शन होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ फोर बाइनरी बिट्स 1+1+1+1. बाइनरी में अगर हम 1+1+1+1 करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? यस 100, क्योंकि हम बाइनरी में एडिशन कर रहे हैं तो 1+1+1+1 एक्चुअल में तो ये 4 होता है डेसिमल में, है ना, तो फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा. ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4-bit कॉम्बिनेशन इज आर इनवैलिड इन द बीसीडी कोड. इनवैलिड बीसीडी कोड कौन सा है इसमें से? Yes, A will be invalid. क्यों? देखो यहाँ पर ये invalid क्यों है? 1010, क्योंकि BCD code में क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक ही values होती हैं, है ना? BCD code में 0 से लेकर 9 तक के ही binary हम लिखते हैं, है ना? 9 के बाद अगर 10 आएगा तो 10 को हम किस तरीके से लिखेंगे BCD code में? 1 के लिए अलग और 0 के लिए अलग, है ना. 1 के लिए लिखेंगे 0001 और 0 के लिए 0000. दिस इज द बीसीडी कोड, है ना. और यहाँ पे क्या दिया है? 1010, ये बाइनरी कोड दिया हुआ है, ये बाइनरी में होता है ना 1010. और बाकी सारे दोनों में आते हैं सेम है, बाइनरी में भी सेम है और बीसीडी कोड में भी सेम है, लेकिन ये जो है वो बीसीडी कोड में है, और सॉरी बाइनरी कोड में है, लेकिन बीसीडी कोड में अगर 1010 को लिखेंगे मतलब 10 की वैल्यू, तो फिर ये आ जाएगा 0001 और 0000. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that operates on one or more input signals to produce standard output. एक सर्किट है जिसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं इनपुट सिग्नल और वो आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है, ऐसे हम सर्किट्स को क्या कहते हैं? लॉजिक गेट्स. यस ठीक है, लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स में इट कैन टेक आइदर वन और मोर इनपुट्स और एंड इट विल जनरेट वन आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके बताना. डेसिमल 43 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और 43 को बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है. तो हेक्साडेसिमल कोड एक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बीसीडी कोड. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? Yes, 43 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 43 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड करोगे 43 वन टाइम्स और टू टाइम्स, इट विल बी 30.
टू, और 32 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 11, विच इज इक्वल टू बी. ठीक है, फिर 16 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स रिमाइंडर इज 2. सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2b बेस 16. और बीसीडी कोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 43 को बीसीडी कोड में लिखना है तो 4 को पहले लिखोगे 0100 और 3 के लिए 0011. दिस इज इन बीसीडी कोड. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 2B एंड 0100 और 0011. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक. दीज टू वैल्यूज ऑफ ए नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स व्हिच कैन अकर इन ईच पोजीशन इन द सिस्टम. किसी भी सिस्टम में इतने नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडिक्स कहते हैं या बेस कहते हैं या बोथ. टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल डिजिट्स होते हैं किसी भी सिस्टम में उसको क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं और रेडिक्स भी बोलते हैं ना. सो बोथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव्स. स्क्वायर वेव्स से हम कौन से टाइप के सिग्नल्स रिप्रेजेंट करते हैं. स्क्वायर वेव्स एनालॉग सिग्नल से तो बच्चे हम साइन वेव्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना एनालॉग सिग्नल. और स्क्वायर वेव से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स. देन EBCDIC कोड, ये भी एक तरीके का कोड है ना. जितने भी हमने कोड पढ़े हैं जैसे ASCII कोड, इनकी इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, EBCDIC. इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सटेंडेड binary coded decimal interchange code. Then next question hai, the product term containing all k variables of a function in either complemented or uncomplemented form is called product term, jisme ki सारे के वेरिएबल्स होंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं. मेन टर्म, यस, है ना. प्रोडक्ट टर्म्स को हम कहते हैं मिन टर्म, और अगर सम वाला टर्म होगा तो हम उसको कहते हैं मैक्स टर्म. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम और भी क्या कहते हैं, साइंड नंबर्स. देखो साइंड नंबर्स में क्या होता है, दोनों आते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव. ठीक है, साइंड रिप्रेजेंटेशन में दोनों तरीके के रिप्रेजेंट नंबर्स आते हैं,
पॉजिटिव एंड निगेटिव. अनसाइंड में ओनली पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव में निगेटिव. तो यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स किस में आते हैं? अनसाइंड नंबर्स में. सो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यस. विच आर ट्रू इन टर्म्स ऑफ के मैप? के मैप के लिए क्या क्या ट्रू एक्सप्रेशंस हैं? तो के मैप्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन. जैसे हम ट्रुथ टेबल में फंक्शन लिखते हैं, ट्रुथ टेबल में बनाते हैं, वैसे ही के मैप में भी बनाते हैं, ठीक है. सो बेसिकली दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन. एंड ऑल्सो वन मैप सेल, एक सेल किसके इक्वल होता है? वन रो इन ट्रुथ टेबल. दीज टू ऑप्शन आर करेक्ट.